गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं जयर, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। फ्रेंड्स, डेट है आज 26 मई और दोपहर के बज रहे हैं 12:30। बैक टू बैक आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और वजह साफ है। आपने जो हमें काम दिया था लर्न टू अर्न सेशन सीरीज को आगे बढ़ाने का, हम उसी पर जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल का नाम है शेयर एकेडमी, और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार चैनल है। हम तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, वो है नॉलेज, एनालिसिस और पेशेंस। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियोस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट गलत है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आप चाहें तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपने कमेंट देकर हमें ये बताइए कि इन वीडियोज़ में क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की सही राह मिलती है और उसी के मुताबिक हम जो है अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर सिंपल मैसेज कर दीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है कि हम मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करते। मार्केट में चल रहे दूसरे हजारों ग्रुप्स या फिर चैनल्स की तरह हम इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते। हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद पोजिशनल बेसिस पर कॉल देते हैं। और फ्रेंड्स, रिटर्न निकलते हैं हमारे पास मिनिमम 10% के, और ये लाइव सेशन आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना शानदार होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है लर्न टू अर्न सीरीज का तीसरा वीडियो। हमने फ्रेंड्स एक नई सीरीज शुरू की थी जिसके अंतर्गत हम धीरे धीरे आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। सो दो सेशंस इसके कंप्लीट हो गए हैं और आज जो हम सेशन लेकर आए हैं उसमें हमारे पास में क्वेश्चन है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या है। जी हाँ, दो सेशंस में हमें यह पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है और सेकंड में कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें किन किन चीज़ों की स्टडीज करनी चाहिए। सो उसमें हमने आपको बताया था सेकंड सेशन में कि सबसे ज्यादा जिस चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो तीसरी चीज जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। तो टाइम खराब नहीं करते और सीधे सीधे स्टडीज शुरू करते हैं। ओके, जो सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान हमने बता रखा है वो है ट्रेड टाइगर वर्जन 2.5। अगर आप चाहें और अपनी स्टडीज को बेहतर बनाना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में जितने भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ यूजर फ्रेंडली है, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और काम आपका थोड़ा सा तेज होगा, सिर्फ इतना है। ओके, शेयर इस्तेमाल करते हैं हैवल्स और शुरू करते हैं चार्ट। ये है हैवल्स का चार्ट। ओके, और क्वेश्चन है आज का कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। सो उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चार्ट पैटर्न बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, बेसिस पर, इनके शेप की बेसिस पर चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। सो मेजर चार्ट पैटर्न्स जो हैं फ्रेंड्स वो तीन तरह के होते हैं। एक है लाइन पैटर्न। करेंटली जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ये लाइन पैटर्न है। लाइन पैटर्न क्यों है? क्योंकि पूरा चार्ट एक लाइन के शेप में है। आप देख रहे हैं ये एक रेखा है, एक लकीर है जो आगे बढ़ रही है, और जितने भी शेयर के रेट हैं वो एक लाइन के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर आपको शेयर का रेट दिखेगा और यहां पर शेयर का डेट दिखेगा, और यह है लाइन फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो होता है शेयर का पैटर्न का, वो है बार चार्ट। इसे बार कहते हैं। एक पर्टिकुलर बार एक दिन के मूवमेंट को दर्शाता है। नाउ अब इस बार में तीन चीजें हैं आपके जानने के लिए। क्या ये इधर वाली लकीर क्या है? जो ये लकीर आपको दिख रही है ये क्या है? ये लकीर दिख रही है ये क्या है? दूसरा ये लकीर क्या है? और तीसरा ये बॉडी क्या है? ठीक। सो ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक का जो बेस है वो बेसिकली बार चार्ट है। बार चार्ट से ही कैंडल स्टिक चार्ट फॉर्म होती है। ठीक, ध्यान से सुनिए। किसी दिन शेयर ये लेवल है 765 का, और हम बात कर रहे हैं इस बार की। 765 पर शेयर खुलता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद शेयर थोड़ा नीचे जाता है। किन लेवल्स तक नीचे जाता है? निचला स्तर जो है शेयर का वो है 758 तक नीचे जाता है। फिर पूरे दिन में शेयर ऊपर जाता है, बहुत ऊपर। कहां तक जाता है? करीब करीब 776, और शाम को 776 पर जाने के बाद बंद हो जाता है 774 पर। यहां पर देखिएगा, आपको रेट दिखाई देगा, 774 पर शेयर बंद हो जाता है। ओके, हम इस बार की बात कर रहे हैं। सो ये पूरे दिन का मूवमेंट था। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को, जो एक शेयर का पूरे दिन का मूवमेंट जो कि ऐसे 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 चलता रहता है, उसे हमें बिल्कुल कंसाइज कर देना है कि ये एकदम कंपाइल होकर बिल्कुल छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाए। तो इसका फॉर्मेशन हम एक बार के तौर पर कर देते हैं। और उसमें क्या करते हैं बार में, कि जिस रेट पर खुला उस इंडिकेशन को बाईं तरफ, जिस रेट पर शेयर बंद हुआ इस इंडिकेशन को दाईं तरफ, हायर को हायर पर, लोअर को लोअर साइड पर दिखा देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि आखिर कुछ बार्स ग्रीन और कुछ बार्स रेड क्यों हैं? तो ध्यान से सुनिएगा इसे। जब भी शेयर का क्लोजिंग रेट उसके ओपनिंग रेट से हाई होता है, यानी उस दिन शेयर बढ़कर बंद हो,
तो उस दिन शेयर का जो बार होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और जिस दिन शेयर घट कर बंद हो, यानी ये ओपनिंग रेट था शेयर का और ये क्लोजिंग रेट था, तो शेयर घट के बंद हुआ ना, तो जब शेयर घट कर बंद हो तो वो बार जो होगा वो रेड कलर का होगा, जिस दिन शेयर बढ़कर बंद होगा वो बार ग्रीन होगा, जिस दिन शेयर घटकर बंद होगा वो बार रेड होगा। आमतौर पर यही कलर हैं जो यूनिवर्सली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप चाहें तो ये कलर्स चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, आप इसको ब्लू और रेड कर सकते हैं या ब्लू और ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, बट यूनिवर्सली जिन कलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो कलर यही हैं, और ये कलर ट्रैफिक के कलर्स के मुताबिक ही हैं कि ग्रीन मतलब पॉजिटिव है, आपको जाने का सिग्नल मिल रहा है, रेड मतलब स्टॉप या नेगेटिव है, जो रुकने का सिग्नल दे रहा है। ठीक, सो ये हो गया बार चार्ट कि ओपन जो होता है शेयर उसका बार लेफ्ट साइड, इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ओपनिंग शेयर की किस रेट पर हुई है, राइट साइड क्लोजिंग किस रेट पर हुई है, ये हायर साइड आपको हायर पॉइंट मिल जाता है, लोअर साइड लोअर पॉइंट में मिल जाता है। बट अगर ये बार है तो फिर इससे कैंडल स्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, एक बार से कैंडल स्टिक ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ एक काम करना होता है, इसको एक पूरी बॉडी का शेप दे देना होता है, बस इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं करते। ये एक कैंडल बन गई, ये आपको दिख रहा है, कैंडल का हायर हाई 776 है, लोअर लेवल 758 है, बीच का ये पूरा पार्ट कैंडल का बॉडी कहलाता है। और अगर बार ग्रीन है, यानी कि अगर उस दिन शेयर बढ़कर बंद हुआ है, तो जो वो कैंडल बनेगी वो होगी ग्रीन कलर की। ये दिख गई ग्रीन कलर की कैंडल, बार देखिए ग्रीन है, कैंडल भी ग्रीन। और अगर शेयर घट कर बंद हुआ है, यानी जैसे कि ये रेड बार था, शेयर की ओपनिंग हुई ये हैवल्स है 777 पर और क्लोजिंग हुई है 776 पर, ठीक, सो 777 पे खुला शेयर और 766 पे बंद हुआ, यानी गिरकर बंद हुआ है। अगर गिरकर बंद हुआ है तो जो कैंडल स्टिक बनेगी वो रेड कलर की होगी, यानी रेड कलर ये दर्शाता है कि शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, ये दिख रहा है, और ग्रीन कलर ये दर्शाता है कि शेयर के अंदर खरीदारी हो रही है। जैसे प्योर ग्रीन निकालते हैं, ये देखिए ये प्योर ग्रीन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब शेयर में खरीदारी हो रही। ठीक, सो ये था बार चार्ट। उम्मीद है फ्रेंड्स यहां तक का ये बार चार्ट आपकी समझ में आया। ठीक, ओके, और स्टडीज जरा रिमूव कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसी बार चार्ट से सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, समझ में आ गया आपकी? ग्रीन कैंडल का मतलब है कि शेयर उस दिन निचले लेवल्स पर ओपन हुआ है। किन लेवल्स पर ओपन हुआ है? 760 पर, और क्लोज कहां हुआ है? 774 पर क्लोज हुआ है। अगर रेड कैंडल स्टिक है तो इसका मतलब है कि शेयर ऊपरी स्तरों पर ओपन हुआ है। किस स्तर पर? 752 पर, और क्लोज कहां हुआ है? क्लोज हुआ है 740 पर। तो यह एक फैक्ट क्लियर हो गया आपको कि रेड कैंडल स्टिक मतलब शेयर घटकर बंद हुआ है, ग्रीन कैंडलस्टिक का मतलब शेयर बढ़कर बंद हुआ है। अब सेकंड चीज, हर एक कैंडल के दो पार्ट होते हैं। ये कैंडल आपको दिखी, इस कैंडल के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है शैडो। ये जो पर्टिकुलर पार्ट, जो पतली सी आपको डंडी दिख रही है, इसे हम कहते हैं शैडो, और जो ये बीच का पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी। शैडो और बॉडी की इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर वक्त हम शेडोज को नेग्लेक्ट करते हैं। जब भी कभी भी आप शेयर का सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालते हैं तब ज्यादातर वक्त हम शेडोज को नेग्लेक्ट करते हैं। आपको एक टर्म सुनने में मिलेगा आगे चलकर कि हेकिनाशी चार्ट और रेंको चार्ट जो होते हैं उसमें जो साउंड है या कि जो नॉइस है वो कम हो जाती है। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए, नॉइस का मतलब है ये जितनी भी शेडोज हैं ये, ठीक है ना, तो शेडोज को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते, हम ज्यादा कंसीडर करते हैं बॉडीज को। सो एक कैंडल स्टिक के दो पार्ट होते हैं, एक मेन बॉडी और दूसरा इसका जो ये है शेडो का पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि कैंडल स्टिक्स कितने टाइप की होती हैं। सो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स बहुत टाइप की होती हैं। आप अगर स्टडी के अंदर जाएंगे और इसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे कैंडल स्टिक की, सो सबसे पहले तो है कि हमसे ये जो हमारी टीम थी उसने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि कैंडल स्टिक जब वीडियो चलाएंगे तो उसके अंदर कैंडल स्टिक की थोड़ी हिस्ट्री भी बताएंगे। सो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कैंडल स्टिक की जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर बताया जाएगा कि जापान में जो राइस के ट्रेडर्स थे वो इसका इस्तेमाल करते थे कैंडल स्टिक का। नाउ इन सब का हमारे लिए क्या यूज़ है भाई? कैंडल स्टिक का ओरिजिन कहाँ हुआ, कौन से ट्रेडर्स इसको एंशियंट टाइम में इस्तेमाल करते थे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है
कि कैंडल स्टिक का इस्तेमाल हमको करना कैसे है, सिर्फ ये, उसके इतिहास में क्या हुआ हमको इससे मतलब नहीं है, इसलिए हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करते। तो कैंडल स्टिक जो मेजर टाइप्स हैं कैंडल स्टिक के, वैसे तो कैंडल स्टिक बहुत तरह की होती है, बट मेजर कैंडल स्टिक के टाइप्स तीन टाइप के हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होल बॉडी कैंडल स्टिक, जिसमें पूरी पूरी जो कैंडल है आपको उसमें मेजर बॉडीज दिखाई देंगी, जैसे कि ये देखिए इस कैंडल स्टिक में मेन बॉडी ज्यादा है और जो ये शेडोज हैं वो कम, जैसे कि ये कैंडल स्टिक बॉडी ज्यादा है और शेडोज कम, जैसे कि ये कैंडल स्टिक बॉडी ज्यादा है और शेडो कम। इस तरह की कैंडल स्टिक जब भी आपको मिलती हैं ये हमेशा ट्रेंड के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। ठीक, अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि जो अप ट्रेंड है उसके अंदर स्ट्रेंथ है, अगर बड़ी बड़ी बॉडीज की रेड कैंडल स्टिक बन रही हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है उसके अंदर वीकनेस है। ठीक, एक दूसरा हैमर कैंडल स्टिक, ऐसी कैंडल स्टिक में शेडो लंबा होता है और जो मेन बॉडी है वो बहुत छोटी होती है, ये देखने में एकदम हथौड़े जैसा लगता है। ठीक, अब इसमें जो बॉडी है वो ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकती है और शेडो किसी एक तरफ होगी। अब इसे हम ढूंढते हैं कि इसमें हैमर कहां पर है। ठीक, सो एग्जैक्ट हैमर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपको हैमर जैसी ही सिचुएशन मिलेगी। एक काम करते हैं, इसे ढूंढते हैं और ये देखिए जरा इस कैंडल स्टिक को ध्यान से देखिए। ठीक, ये मिली, ये हथौड़े जैसी आकृति लग रही है आपको, हथौड़े जैसी। ठीक, अब हैमर का इंपॉर्टेंस क्या है कि शेडो इसके जिस तरफ है इसका मतलब है कि शेयर के अंदर बिकवाली आई, निचले स्तरों पर शेयर गया लेकिन निचले स्तरों से लोगों ने इतना खरीदा कि इस शेयर को धक्का दे दे के ऊपर तक पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि हैमर की जिस तरफ भी शेडो होती है उस तरफ से शेयर पर धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। अगर हैमर की शेडो नीचे की तरफ है, यानी हैमर का हथौड़ा अगर नीचे है, तो इसका मतलब है कि निचले स्तरों पर खरीदारी हो रही है। और ये देखिए निचले स्तरों पर खरीदारी हुई तो शेयर को कहां से 490 से उठाते हुए और कहां तक ले गए, 520 तक ले गए। जो डेली ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, मतलब 4% का मार्जिन एक तरफ मिल रहा है उन्हें और 2% का मार्जिन एक, टोटल 6% का प्रॉफिट डेली जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 4-5 दिनों के अंदर 6% बहुत मायने रखता है। ठीक, सो सेकंड टाइप का जो कैंडलस्टिक है वो है हैमर। हैमर में जिस तरफ भी आपकी बॉडी होगी, इस हैमर पैटर्न की बॉडी जिस तरफ होगी उस तरफ से शेयर के ऊपर धक्का दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और थर्ड है डोजी। डोजी का मतलब है कि बीच में बॉडी होगी और बॉडी के दोनों तरफ इक्वल साइड की शेडोज होंगी। इसका मतलब है कि खरीदार और बिकवाली करने वाले दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि ये पैटर्न देखिए, ये बीच में बॉडी है छोटी सी, ऊपर और नीचे की पैटर्न एकदम बराबर, ये देखिए बीच में बॉडी, ऊपर और नीचे के पैटर्न दोनों एक साथ बराबर शेडोज। तो इसका मतलब है कि ना खरीदार ना बिकवाली करने वाले, दोनों बेयर एंड बुल्स में कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को किस तरफ ले जाना चाहिए या इस पर्टिकुलर शेयर को किस तरफ ले जाना चाहिए। तो डोजी जब भी आएगा, डोजी हमेशा इस चीज का सूचक है कि शेयर के अंदर किसी तरह का कोई ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, तय नहीं कर पा रहे हैं बुल्स एंड बेयर्स कि शेयर को किस तरफ ले जाना है। ये है इंपॉर्टेंस जो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट है इसकी। एक बार फ्रेंड दोबारा से दोहरा देते हैं, तीन टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, होल बॉडी, हैमर, जैसे कि हैमर येरा, ठीक, और डोजी, डोजी जैसे कि येरा डोजी, बीच में बॉडी और ऊपर। ठीक, अब उसके साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न्स टाइम होराइजन के हिसाब से कई तरह के हैं, जैसे कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले, यानी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो जिस कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं वो है एक मिनट की कैंडल। इसकी हर कैंडल एक मिनट की होती है, एक एक मिनट पर फॉर्म होती है। ठीक, जो इससे थोड़ा लंबा होराइजन रखते हैं 2 दिन या 3 दिनों के लिए वो 5 मिनट की कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हर एक कैंडल 5 मिनट की है। देन जो इससे थोड़ा बड़ा होराइजन यानी वीकली बेसिस पर पोजीशंस रखते हैं वो 15 मिनट की कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो इससे भी लंबा नजरिया यानी मंथली बेसिस 3 महीने 6 महीने के लिए कॉल्स रखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डेली कैंडलस्टिक का। ये एक कैंडल एक दिन के मूवमेंट को दर्शा रही है, ये डेली कैंडलस्टिक है। जब कभी भी आपको शेयर का ट्रेंड
समझ में ना आए एक मिनट की कैंडल पर, तो उसे हम चेंज करते हैं 5 मिनट पर, 5 मिनट पर भी क्लियर नहीं है तो 15 मिनट पर, 15 मिनट पर क्लियर नहीं है तो डेली कैंडल स्टिक। अगर डेली कैंडल्स पर क्लियर नहीं है, ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है DLY, इसका मतलब डेली कैंडल है ये, अगर डेली क्लियर नहीं है तो हम जाते हैं वीकली कैंडल्स पर। ये वीकली चार्ट है जिसकी एक कैंडल पूरे एक वीक के मूवमेंट को दर्शा रही है, यानी इस पूरे हफ्ते, जो हफ्ते की शुरुआत है यानी मंडे के दिन जो शेयर था ना वो 750 रुपये से शुरू हुआ, पूरे हफ्ते ये ऊपर नीचे होता हुआ, हफ्ते के लास्ट कारोबारी दिन फ्राइडे के दिन ये 772 पे बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो सबसे हाईएस्ट लेवल शेयर के थे वो 780 के, और जो सबसे लोएस्ट लेवल शेयर के थे वो थे 736 के, ठीक। सो ये है वीकली बेसिस पर शेयर। वीकली में भी अगर क्लियर नहीं है तो होराइजन और बढ़ाते हैं मंथली का, उसके बाद ईयरली का। सो इस तरह से हम पूरे शेयर को या शेयर की कैंडल स्टिक जो पैटर्न है उसको एनालाइज करते हैं। सो ये है बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सेशन हो गया 16 मिनट का, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको किसी भी अपने सॉफ्टवेयर में जाना है, उसके बाद उसका कैंडल स्टिक चार्ट खोलना है डेली का, ठीक। और सिर्फ आपको एक काम करना है, ये देखना है कि जो ओवरऑल कैंडल स्टिक पैटर्न है इसमें आप पहचानने की कोशिश कीजिए होल बॉडी कौन सा है। ये होल बॉडी है, ये होल बॉडी है, ये डोजी है, हैमर कहाँ है, ये हैमर है, ये रेगुलर अलग इसे छोड़ दीजिए, ठीक। ये होल बॉडी, ये होल बॉडी, इन्वर्टेड हैमर, होल बॉडी, डोजी, डोजी, हैमर, होल बॉडी, होल बॉडी, डोजी, डोजी, ठीक। एक और इसके साथ एक प्रैक्टिस और, कि अलग अलग तरह के शेयर्स के चार्ट चलाते रहिए, पैटर्न चेंज करके देखते रहिए, डेली पैटर्न है, वीकली पर देखिए कैसा है, ठीक। अब जरा एक इंपॉर्टेंस देखिए, HEG ईयरली बेसिस पर अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर आपको ये जो चार्ट है ये अप ट्रेंड में दिखता है। अभी भी ये शेयर जो है अप ट्रेंड में है ईयरली बेसिस पर, ये एक ये साल का चार्ट है, यानी एक जो कैंडल स्टिक है ये 2017, ये 2018 की कैंडल है और ये 2019 की कैंडल है। ईयरली बेसिस पर शेयर अभी भी अप ट्रेंड में है, बट जरा मंथली बेसिस पर देखिए, मंथली बेसिस पर शेयर के अंदर एक मेजर डाउन ट्रेंड आ रखा है, ठीक। तो अगर शेयर मंथली बेसिस पर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो क्या आपको उस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वीकली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर शेयर डाउन ट्रेंड में है। अब आप बताइए कि अगर तीनों ट्रेंड, ईयरली, मंथली, वीकली और डेली, चारों ट्रेंड में अगर शेयर कोई डाउन ट्रेंड में है तो क्या आपको शेयर में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? HEG, ग्रेफाइट, लगातार कॉल आती रहती है, लोग पूछते रहते हैं सर ग्रेफाइट खरीदना है, ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट को ही आपके सामने दिखा देते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का ही चार्ट है, ठीक, सेम वही हाल है ईयरली बेसिस पर। ओके, नहीं ये ग्रेफाइट का था, HEG देखते हैं, दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, है ना, इसी वजह से एक जैसा लग रहा था, ठीक। ईयरली डाउन ट्रेंड, मंथली डाउन ट्रेंड, ये दिख रहा है चार्ट, मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डेली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सो ईयरली को छोड़कर, यानी ईयरली जो चार्ट था, ईयरली में थोड़ा सा करेक्शन था बट ये डाउन ट्रेंड नहीं है। ईयरली में डाउन ट्रेंड तब आएगा जब ये शेयर अपने ईयरली का जो ये सपोर्ट लेवल है, इसका निचला लेवल, इसको तोड़ के नीचे निकल जाएगा, तब ये ईयरली में डाउन ट्रेंड में आएगा। बट मंथली में, वीकली में और डेली में, तीनों ही ट्रेंड में अगर कोई शेयर दो या दो से अधिक ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर है तो खरीदारी नहीं करनी है। जब शेयर दो या दो से अधिक ट्रेंड के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड में है तभी शेयर के अंदर खरीदारी करनी है। इसी वजह से हमने अपनी लिस्ट में अवॉइड लिस्ट के अंदर ग्रेफाइट और HEG को डाला था। उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बेसिकली क्या है, और हमने इसके अंदर जो अननेसेसरी की नॉलेज थी ना वो नहीं रखी कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न कितनी तरह के होते हैं, या दो तीन कैंडल स्टिक को मिलाकर क्या बनता है, या वो राइजिंग बुलिश पैटर्न, या इस तरह के पैटर्न्स जितने भी होते हैं, ये वाइट हॉर्स है या डार्क क्लाउड है, ये सारे पैटर्न्स हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, ये एडवांस लेवल में आएंगे कि तीन कैंडल स्टिक को मिलाकर, दो कैंडल स्टिक को मिलाकर, या इनगल्फिंग कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये सब हम अभी नहीं बता रहे हैं। अभी आपको सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ब्रूस ली ने कहा था, ये अपने समय के सबसे माहिर कलाकार थे वो, जो उनकी अपनी एक विद्या थी उसके अंदर वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बेसिक्स पर ध्यान देते हैं और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी।
इसलिए कोशिश कीजिएगा जो ये इनिशियल स्टेज के वीडियोस हैं इन्हें ध्यान से समझने की, अपने बेसिक्स पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बेसिक अगर सही रहा, बेसिक मजबूत हो गया, तो आगे की बिल्डिंग आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक ये सेशन समाप्त करेंगे हम, 20 मिनट का सेशन हो गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली क्या होता है। तीन या चार तरह के अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं जिनके अंदर बार, लाइन, एरिया, हैकेनाशी, रेनको और लास्ट में कैंडलस्टिक चार्ट। और कैंडलस्टिक चार्ट भी टाइम होराइजन के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। इसमें हम सबसे ज़्यादा जिस कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं वो है कैंडलस्टिक और डेली पैटर्न का इस्तेमाल। और लास्ट में कैंडलस्टिक में जो कैंडलस्टिक का शैडो पार्ट है इसे हम अवॉइड करते हैं और ज़्यादातर हम लेते हैं इसकी बॉडी को। फ्रेंड्स, जितना भी आपको वक्त मिलता है अगले 30 दिनों के अंदर पूरा वक्त चार्ट स्टडीज में लगाइए। सिर्फ चार्ट्स को देखते रहिए, लगातार चार्ट्स को देखते रहिए। आपको धीरे धीरे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। देखिए, जो मेंटर है उसे पता है कि आपको क्या करना है, टीचर को मालूम होता है कि अपने स्टूडेंट से क्या करवाना होता है। जैसे कि इसे प्रीवियस टाइम में जबकि हम म्यूज़िक सीख रहे थे और गिटार सीख रहा था, स्पेशली पर्सनली मैं, तो मेरे टीचर्स कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गिटार सुना करो। तो मैंने कहा सर इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारे कान अभ्यस्त हो जाएंगे सुनने के और तब तुम अपने आप से गिटार बजा सकोगे। और इनिशियल स्टेज थी तो मैंने कहा कि सर ये मतलब ये क्या लॉजिक है यार, ये कैसी मतलब स्टूपिडिटी वाली बात है। बट धीरे धीरे वक्त के साथ में जैसे जैसे मैंने उस प्रैक्टिस को किया तब मेरी वाकई समझ में आया और आज मेरी समझ में आती है उसकी इंपॉर्टेंस। वाकई अगर आज मेरे पास में एक म्यूजिक का स्टूडेंट हो जो कि गिटार सीखना चाहता हो तो उसे भी मैं यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, उससे कान पक्के होते हैं। तो टीचर को ये पता होता है कि बेसिकली स्टूडेंट को करना क्या है। स्टूडेंट को लगता है कि यार जो टीचर बता रहा है तो गलत है, इसके अंदर तो कोई इसका आउटकम नहीं निकलेगा। बट टीचर को ये पता होता है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। इसलिए जो हम आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाइए चार्ट्स को देखने में। किसी भी कंपनी का चार्ट खोलिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स खोलिए, वीकली देखिए, मंथली देखिए और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि शेयर डाउन ट्रेंड में है या शेयर अप ट्रेंड में है या शेयर नो मूवमेंट जोन में है। इस शॉर्ट टर्म के अंदर, इतनी देर के अंदर शेयर नो मूवमेंट जोन में है, इतनी देर में शेयर डाउन ट्रेंड में है, ये फिर नो मूवमेंट जोन, ये फिर डाउन ट्रेंड, नो मूवमेंट जोन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। सिर्फ आप इसी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए महीने भर के बाद। यकीन रखिएगा, हम ये बात बार बार कह रहे हैं अपने सेशंस में, महीने भर के बाद आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जून पूरा ख़त्म हो जाने दीजिए, जून ख़त्म हो जाने के बाद आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी ट्रेडिंग्स खुद कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल की एनालिसिस करने के लिए आप हमारे पास में आएंगे, हमसे सलाह लेंगे, बाकी बेसिक्स आप अपनी अपने आप से कर लेंगे फ्रेंड्स। सो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होगा, कुछ आपकी समझ में आया होगा इससे। और अगर समझ में आ रहा है तो सेशंस को बार 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 देखते रहिए, लगातार देखेंगे। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम भी कोई माहिर नहीं थे, हमने भी जब अपना ये स्टडीज़ कंप्लीट की और जब अपना MBA कंप्लीट किया टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल्स में, उससे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने और इसे अच्छी तरह से समझना आ गया था, उसके बाद हमने इसकी प्रोफेशनल डिग्री ली। बट इनिशियल स्टेज में हमें ये सब नहीं पता था, हमने भी ये सब सीखा, आप भी ये सब सीख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, चूंकि हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि हम अपनी कोशिश में ज़रा भी सफल हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो सीरियस निवेशक हैं उनके साथ में। सेशंस छोड़िए मत, जो लाइव सेशंस डिस्कशन हुआ है इन्हें बार 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 देखते रहिए, इससे आपका नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ेगा। और फ्रेंड्स अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। इस सेशन खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जाइए और 2-3 मिनट का वक्त निकालिए और हमें बताइए कि इस सेशन से आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाले सेशंस में और चाहिए हमसे नॉलेज के तौर पर, हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। और ये बताइए कि अभी तक के 3 वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिली और पहले आप क्या गलती कर रहे थे, जो गलती अब आप भविष्य में नहीं करेंगे इस चैनल को देखने के बाद। आपके इन कमेंट से फ्रेंड्स हमें एक दिशा मिलती है, साथ ही मोटिवेशन भी। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है सो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हैं तो इन ग्रुप से मत जुड़िएगा, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, ना ही हम आपकी इसमें किसी तरह की कोई मदद कर पाएंगे। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।